लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए और साथ ही साथ ये भी साफ हो गया कि एनडीए सत्ता में बनी रहेगी। अपने शानदार प्रदर्शन में चार चांद लगाते हुए भाजपा ने अपने सीटों की संख्या इस बार 303 सीट तक पहुंचा दी। एनडीए के प्रदर्शन का सबसे ज्यादा प्रभाव एक बार फिर हिंदी भाषी प्रदेशों में दिखा। पिछले वर्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बावजूद भाजपा ने अपनी लोकप्रियता बनाए रखी और 2014 के मुकाबले इस बार 350 सीटों पर एनडीए ने विजय भी प्राप्त की। यही नहीं, दक्षिण भारत में भी भाजपा ने इस बार अपनी धमक बनाई है। कर्नाटक में भाजपा ने 28 में से 25 संसदीय सीट अपने नाम की है। यदि हम इसमें भाजपा समर्थित कर्नाटक में मांड्या से निर्दलीय उम्मीदवार एवं अभिनेत्री सुमालता को भी जोड़ ले तो कांग्रेस और जेडीएस के हाथ केवल एक एक सीट लगी है। कर्नाटक में भाजपा की ये जीत कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई दिग्गज जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेसी मंत्री वीरप्पा मोइली एवं KH मुनियप्पा एवं राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल गौड़ा इस बार अपनी अपनी सीटें बचाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। जाने माने अखबार द हिंदू की हिंदू CSTS लोक नीति सर्वे ने भाजपा के प्रति बड़े जनाधार को बखूबी दिखाया है। सर्वे डेटा के अनुसार केंद्रीय सरकार की नीतियों के प्रति जनता का व्यवहार काफी संतोषजनक रहा है। लगभग 3/4 लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों में अपना विश्वास प्रकट किया। यही नहीं, कर्नाटक राज्य के जातिगत समीकरण भी इस बार भाजपा के पक्ष में दिखाई दिए। जहां एक तरफ उत्तरी कर्नाटक में भाजपा ने लिंगायतों में अपना समर्थन बरकरार रखा, वहीं JDS और कांग्रेस के बीच बेमेल गठबंधन के खिलाफ दक्षिण कर्नाटक खासकर वोक्कालिगा बाहुल्य ओल्ड मैसूर की जनता में गुस्सा देखने को मिला। इससे भाजपा को राज्य के जातिगत समीकरण बदलने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। चुनाव के पश्चात प्रकाशित सर्वे डेटा के अनुसार 10 में से 9 लिंगायतों मतदाताओं ने जहां भाजपा के पक्ष में मतदान किया है, वहीं भाजपा राज्य के अन्य OBC और दलितों को भी अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रही है। ओल्ड मैसूर के इलाके में स्थित वोक्कालिगा समुदाय का भी JDS से मोहभंग शुरू हो चुका है। सर्वे डेटा के अनुसार इस बार 10 में से 6 वोक्कालिगा मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। कई विशेषज्ञों के अनुसार कांग्रेस और JDS का कुल मत प्रतिशत भाजपा को हराने के लिए काफी था, पर यह अनुमान सच्चाई से कोसों दूर है। रही सही कसर तो कांग्रेस और JDS के स्थानीय कैडरों के बीच तालमेल की भारी कमी ने पूरी कर दी। इतना ही नहीं, दोनों खेमों में उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर काफी असंतोष व्याप्त था। शायद इसी अंदरूनी लड़ाई का परिणाम है कि कांग्रेस और JDS को कर्नाटक में बुरी हार का सामना करना पड़ा है। युवा वर्ग में भी भाजपा को भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। यही वजह है कि लोकसभा चुनावों में जातिगत समीकरणों के अलावा युवा वर्ग की पहली पसंद भाजपा होने के कारण पार्टी को काफी फायदा मिला। और तो और, कांग्रेस और JDS के बेमेल गठबंधन के खिलाफ इस जनादेश ने राज्य की सरकार के अस्तित्व पर अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे लाचार प्रदर्शन के बाद दोनों दलों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू होना तो लाजमी था। गौरतलब है कि कर्नाटक में पिछले वर्ष संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद सरकार नहीं बना सकी थी, जबकि भाजपा से काफी कम सीट लाने वाले JDS और कांग्रेस ने सत्ता की हताशा में एक दूसरे से हाथ मिला लिया था। ऐसे में अब अगर कर्नाटक में सरकार गिरती है तो यह भाजपा के लिए राज्य में सरकार बनाने का एक सुनहरा अवसर होगा। लोकसभा चुनावों में मिला जबरदस्त जनाधार राज्य के भावी चुनावों के लिए काफी मददगार सिद्ध होगा। कभी कांग्रेस और JDS का गढ़ माने जाने वाले ओल्ड मैसूर और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में भाजपा ने अपनी स्थिति को मजबूत भी किया है, लेकिन अभी भी भाजपा को राज्य में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करने होंगे, ताकि भविष्य में JDS कांग्रेस का बेलमेल गठबंधन भी फेल साबित हो, जैसा इस बार लोकसभा चुनाव में हुआ है।